हेलो दोस्तों, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एक हैप्पी न्यू ईयर का एक फ्लेक्स बैनर बनाते हैं तो वो मैं पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पूरा वीडियो देखो दोस्तों, शुरू करता हूँ। कुछ नहीं, आपको एड फोटो में चले आना है। ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया है और उसको मैं रोटेट कर लेता हूँ फुल साइज में और साइड में राइट कर लेता हूँ। और इसकी जितनी मैं बैकग्राउंड या PNG जितनी भी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये तो हमने एक डाल दिया, जैसे कि हमने बैकग्राउंड में डाल दिया। अब इसके बाद एक और इसके ऊपर ये भी हमने ले लिया और उसको मैं रोटेट करके से साठ फटाफट में कर देता हूँ। ये हमने इसको बॉर्डर भी दे दी। तो दोस्तों ये तो हमारा क्लियर हो चुका है ना। अब इसको छोटा करना हो तो कभी मैं छोटा सा मैं कर सकता हूँ, फिलहाल में दे के जाए तो इससे इधर से होगा ना। ये देखिए दोस्तों, और थोड़ा बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा देख रहे हैं अपनों को। ये दोस्तों, ये हमारा कितना शानदार बैकग्राउंड हमने बना के तैयार कर लिया। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको दिक्कत ना आए, और डाउनलोड करने में कोई दिक्कत भी आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि दोस्तों हमको डाउनलोड नहीं हो रहा था, मैं पर्सनल उनको सेंड कर दूंगा। और इसके बाद तो होगा। और उसके बाद मैंने एक एक बॉक्स बनाया जो डिज़ाइन मैंने खुद करी, तो उसको मैं कर देता हूँ एड फोटो में जाके। ये दोस्तों, ये मैंने खुद ने अपने ड्रॉ में तैयार करा था, मगर इसकी भी लिंक मैं वो दे दूंगा डाउनलोड करने का ऑप्शन। और उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और उसको यहाँ सेट कर देता हूँ साइड में। ये देखिए दोस्तों, और उसको राइट के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। इतना तो हो गया दोस्तों, फिलहाल में तो आपने देखा हो कि ये कंप्यूटर आधा ज़्यादा हुआ है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, थोड़ा टेक से डाल देता हूँ, तो मैं टेक से जाऊँगा। और टेक से मैं जाके तो दोस्तों हम यहाँ पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है ये पेस्ट, और डन के निशान पर क्लिक कर देता हूँ और राइट के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोस्तों बताइए, दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों सर आपने यहाँ पर गलत बताया, कुछ भी बताया तो मैं उसका आपको अगली बार रोज के बता दूंगा। और इसको मैं सेटिंग से क्लिक कर दो, इसको मैं पहले फ्रंट से सेटिंग से दे दें दो, क्योंकि ये ऐप बहुत मुझे जानने में, अगली बार से इस ऐप में बनाने की नई कोशिश करूँगा, क्योंकि ये फ्ले आपको सिंपल ट्रिक जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं उसके लिए फिर नहीं है। और उसको मैं चॉकलेटी कलर दे दूंगा, जैसे कि ये वाला, हाँ ये वाला दे देते हैं, और राइट के निशान पे क्लिक कर देता हूँ। और ये हमने लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट समझा के हैप्पी, हिंदी में लिखूँ कि इंग्लिश में, चलो दोस्तों मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ कि इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखेगा, क्योंकि सभी सब देता हूँ हिंदी में। हैप्पी न्यू ईयर, राइट के निशान पे क्लिक करता हूँ, राइट के निशान पे कर देता हूँ, और ये यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इसको भी चॉकलेटी कलर ही दो दूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये भी होगा। और फिर इसके बाद टेक्स्ट में चले जाऊँगा मैं, और यहाँ पर लिख दो 2020, जैसे कि हमारा सन, डन कर दूँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे तरह से लग रहा है, तो दोस्त और उसको भी मैं चॉकलेटी कलर ही दे दूँगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका, और रेड के निशान पे क्लिक कर दूँगा। ये दोस्तों कितना आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और उसके बाद हमको क्या करना है, एड फोटो में जाऊँगा। ये दोस्तों हमने फ़ोटो ले ली है, अब जैसे कि मैंने पहले से कट करके देखी थी, मगर ये क्या मतलब कैसे ब्लैक पीछे बैकग्राउंड होगा, तो मैं इसको पहले ही कटआउट से काट लेता हूँ, क्योंकि गलती से होगा होगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फटाफट काट लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने काट कर दिया और सेव कर देता हूँ इसको मैं, ये होगा। अभी इसको आपको भी इस तरीके करना है, फ़ोटो खिंचवाना है अपने कोई से मोबाइल से खींच सकते हो, किसी से खींच सकते हो, और मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, इस साइड से। ये देखिए दोस्तों, ये होगा। और उसको थोड़ा मैं चाहूँ तो इधर भी कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, ये हो चुका है। अब ये हो जो ना, बात आपको राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। ये आपको इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से बनाया, स्टेप बाय, ज़्यादा कठिन नहीं बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया। तो उसके बाद मैं अब
कुछ अपना यहाँ पर आप फील करना है मुझे। अब फील क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। टेक्स से मुझे आना है, जैसे लिखना है मेरे को हिंदी में लिखना है, तो आप और पर के पर को वर्ष की, तो इसको मैं थोड़ा बीच में लेता और डन कर देता हूँ। तो ये दोस्तों हो चुका है, बाय स्टेप चल रहा है। और टेक्स्ट समझ लूँगा फिर मेरा नाम लिखूँगा यहाँ पर, जैसे कि मेरा नाम है उज्जवल सी सोलंकी, उज्जवल सिंह सोलंकी, ये मैंने लिख दिया नाम। और राइट के निशान पे क्लिक कर दूँगा और मैं इसको धीरे धीरे से अपने नाम को यहाँ ले आऊँगा और इसको फुल साइज में लगा दूँगा। ये हो चुका है, लग चुका है। और उसके बाद फिर नीचे लिखना आप और आपके परिवार को नए वर्ष की उज्ज्वल सी सोलंकी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं है। और राइट के निशान पे क्लिक कर देना है। अब ये भी यहाँ चलेगा, और इसको मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, जैसे कि अभी ये ज़्यादा छोटा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ज़्यादा नहीं बड़ा करूँगा ये। और राइट के निशान पे क्लिक कर दूँगा। अभी मैंने यहाँ पर फिलहाल एक डिज़ाइन लिए थे और मैं ऐड फोटो में जाऊँगा, उसको मैं पहले ऐड कर लूँगा। मैं इसको पहले क्रॉप करूँगा क्योंकि ब्लेंड से मैंने वो करके देख लिया, मगर वो स्क्रीन मोड पर नहीं हो रहा था, इसी कारण मैंने इसको इस मोड पे कर दूंगा। राइट के निशान पे क्लिक करूंगा और ब्लेंड पे जाऊंगा, स्क्रीन मोड पे नहीं मल्टी पे करना है, और रेयर पे जाऊंगा और उसको राइट साइड फटाफट रेयर कर दूंगा। और राइट के निशान पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ लगा दूंगा। ये दोस्तों ये हमारा पूरा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, पूरा नए क्रिएटिविटी के साथ बनाया मैंने, कुछ भी कुछ यहाँ वहाँ देख दुखा के नहीं बनाया, और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया। और मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा। और मैं इसकी मतलब जैसे कि मेरी फ़ोटो हटा के इतना पूरा बना हुआ भी इसकी इमेज भी दे दूंगा कि वह सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपकी सिर्फ फ़ोटो लगाना है वो भी बताऊंगा सिर्फ। और उसके बाद मैं कैसा सेव करता हूँ वो भी बता देता हूँ। ड्रॉ में चले आना है, ड्रॉ में चले आने के बाद तीन डॉट पर क्लिक करूँगा और उससे मैं सेव कर लूँगा। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।